नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। गरीबों का राशन दिन दहाड़े लूट रहे हैं जन वितरण प्रणाली के दुकानदार यानी डीलर। प्रति यूनिट 1 किलो कम देने का वीडियो हुआ वायरल। देश की मोदी सरकार जब से देश से भ्रष्टाचार मिटाने की बात पर जोर देना शुरू किया है, तब से देश में भ्रष्टाचार बढ़ते ही जा रहा है। लुटेरे गरीब जनता के मुंह से दिन दहाड़े निवाला छीनने से भी नहीं कतरा रहे हैं। सिवान जिला के रघुनाथपुर प्रखंड क्षेत्र सहित पूरे प्रदेश में गरीबों को मिलने वाले राशन की दिन दहाड़े जन वितरण प्रणाली के दुकानदार यानी डीलर लूट रहे हैं। सरकार प्रति यूनिट 5 किलो अनाज देती है, लेकिन डीलर प्रति यूनिट 1 किलो कम करके 4 किलो देते हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर रघुनाथपुर निवासी अविनाश पांडे के आईडी से डाला गया है, जिसमें एक लड़का द्वारा 4 किलो ही अनाज देने की बात कह रहा है, जबकि वीडियो बनाने वाला 5 किलो राशन की मांग कर रहा है। सभी पाठकों और दर्शकों से श्री नारद मीडिया अनुरोध करती है कि सरकार से मिलने वाले अपने हक को लूटने नहीं दें, लूट का पुरजोर विरोध करें, जिम्मेदार अधिकारियों से लिखित शिकायत करें, ऑनलाइन कंप्लेन करें, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर करें, ताकि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सके। और आप एक जिम्मेवार नागरिक हैं तो इसका पुरजोर विरोध करें। रघुनाथपुर से प्रसन्नजीत चौरसिया की रिपोर्ट। हमारे के कहानी है कि को किलो दे दादा के राशन हुआ किलो दे तो मैंने फोर यूनिट हमारे बुझा 4 किलो इको बात ना भाई। अब बात हो जाए ना भाई। पापा कहाँ बनता है पापा? दी चाचा से बात भाई लाटे बाकी तो दे हमने कितना मिलता है 12 किलो मतलब 5 किलो पर यूनिट मिला तो दी हमारे के मैंने सब लोग के दे हमारे के ना दे बहुत लोग के दे तो नहीं पापा के रेस्ट नहीं जब 12 किलो किलो के दे 15 किलो लेते दी 40 किलो दी हमारे दी 40 किलो मैंने वीडियो साहब के लगे हम जाए नू ये मो साहब के लगे मैंने आप 5 किलो मिला तो 5 किलो ना दे मैंने और ही लोग के हम बुलाई ठीक है। अच्छा और ही लोग के दे मैं हमारे के ना देना बहुत लोग के दे ना बनी बोले के लिए के लोनी बुंगो तक ना सो गए बहुत लोग हमारे से कहत लगे कि 4 किलो काहे मिलत तबे ठीक है। हम पूछा तो नहीं जाके हम एमओ साहब से पूछा तो नहीं बहुत लोग मिलत अब ठीक बच्चा ठीक बा हम बतियाब ठीक है।